every day is danger. So take no risk. Don't talk back. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं टेक टू सनी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसिंग गेम के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप रेसिंग गेम के दीवाने हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। नीड फॉर स्पीड हीट 2020 में ये गेम लॉन्च हुआ है, काफी ज्यादा कमाल का और अच्छे ग्राफिक वाला है। जी दोस्तों, ये एक एक्शन एडवेंचर और रेसिंग और स्पोर्ट्स गेम है। जी दोस्तों, अगर इस गेम के डिवेलपर की बात करें तो इस गेम को डिवेल्प किया है गोस्ट गेम वालों ने। अगर पब्लिशर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट्स ने इस गेम को पब्लिश किया है। अगर फ्रेंचाइज की बात करें तो नीड फॉर स्पीड इस गेम के फ्रेंचाइज वाले हैं। 4 जून 2020 को ये गेम रिलीज हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में तो हम यही आपको बताएंगे कि मिनिमम कितनी सिस्टम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं। तो आगे चलते हैं। ये एक सिंगल प्लेयर गेम है, मल्टीप्लेयर गेम है, ऑनलाइन कोप वर्सेस कोप, फुल कंट्रोलर सपोर्टेड है इस गेम में। दोस्तों, अब बात करते हैं इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए आपके पास। जी हाँ दोस्तों, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपके पास 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जो आपकी विंडो हो वो 64-bit होनी चाहिए और आपका प्रोसेसर भी। अगर विंडो की बात करें, OS यानी कि विंडो की बात करें, तो विंडो 10 आपके पास होनी चाहिए, यानी कि लेटेस्ट विंडो होनी चाहिए। अगर प्रोसेसर की बात करें तो FX सीरीज का 6350 प्रोसेसर होना चाहिए या इससे अच्छे वाला। अगर इंटेल की बात करें तो कोर i5 थर्ड जनरेशन यानी कि कोर i5 3570 से अपग्रेड PC होना चाहिए या इतना बिल्कुल होना चाहिए। अगर रैम की बात करें तो रैम कम से कम 8 GB हो, 8 GB से बिल्कुल कम ना हो, ये गेम नहीं चलने वाला स्मूथली, कोई भी आपको बहुत ज़्यादा मसला आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का ग्राफिक कार्ड हो लेकिन उसकी जो मेमोरी हो तकरीबन 2 से 3 GB होनी चाहिए अगर आप एक अच्छी FPS लेना चाहते हैं और अगर आप अच्छे से इन गेम्स को खेलना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि अगर आप आपके पास ये सब सिस्टम रिक्वायरमेंट भी हैं तो भी आप इस गेम को लो सेटिंग में खेल पाएंगे, हाई सेटिंग में बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ये DirectX 11 वर्जन का गेम है। अगर स्टोरेज स्पेस की बात करें तो तकरीबन इसके लिए आपके पास 50 GB स्टोरेज अवेलेबल होनी चाहिए और ये काफी ज्यादा पॉपुलर और कमाल का गेम है। अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।